बाहर से लड़कियों को बुलाकर जिस्म फरोशी का धंधा करा रहे होटल संचालक पर पुलिस ने दबिश दी है। लगातार बढ़ रहे जिस्म फरोशी के धंधे पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फिल्मी स्टाइल में कैथल पुलिस द्वारा रेड की गई, जिसकी अगुवाई डीएसपी उमेद सिंह द्वारा की जा रही थी। एक पुलिसकर्मी को फर्जी ग्राहक बनाकर होटल में भेजा गया, जिसमें पुलिसकर्मी ने लड़की की डिमांड होटल संचालक गाँव क्योड़क निवासी सीताराम के आगे रखी। सादी वर्दी में गए पुलिसकर्मी ने 500 रुपए का नोट होटल संचालक को दिया, जिसमें रेड मारने गई टीम ने तुरंत होटल संचालक को गिरफ्तार कर गले से 1500 रुपए भी बरामद किए हैं। देह व्यापार में शामिल सर छोटू राम चौक के निकट स्थित पालके होटल में बाहर से लड़कियों को लाकर जिसमें फरोशी का धंधा करवाया जाता था। जानकारी देते हुए डीएसपी उमेद सिंह ने बताया कि आरोपी होटल संचालक के खिलाफ अनैतिक कार्य अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल दिनांक 8 तारीख को हमें सोर्स रिपोर्ट मिली थी कि छोटूराम चौक पर पालके होटल के अंदर को अनैतिक व्यापार का धंधा चल रहा है, जिस संबंध में मैंने अपनी पार्टी रेडिंग पार्टी तैयार की और पार्टी तैयार करके हमने अपना बॉक्स ग्राहक बनाकर भेजा, जो होटल मालिक से हमारे जो पैसे उसको बॉस ग्राहक को दे के भेजे थे, उससे उन पैसे हमने रिकवर किए और वहाँ पाया गया कि वहाँ अनैतिक व्यापार होने लग रहा है। इस समय हमने होटल मालिक सीताराम को गिरफ्तार कर लिया था और आज हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। सर, क्या तरह कई और होटल हैं जिनमें इस तरह के अनैतिक कार्य चल रहे हैं, सर क्या मैसेज रहेगा बतौर डीएसपी? मैंने पहले भी इन सभी होटल वालों को हिदायत दे चुका हूँ, वे होटलों के अंदर अनैतिक व्यापार न करें। अगर फिर भी किसी की शिकायत आती है, हम इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको तुरंत गिरफ्तार करके और अंदर भेजेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जिस्म फरोशी का धंधा सिर्फ एक होटल में नहीं बल्कि कई होटलों में करवाया जाता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस द्वारा और कितने होटल पर इसी तरह की रेड की जाती है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की सूटी टीवी।